राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री भारत मनमानी श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी के विधान परिषद में सदस्यता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल के निर्देश अनुसार वाराणसी जनपद के सभी विधानसभाओं में सक्रिय सदस्य अभियान चलाया, जिसमें आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सदस्य राजेंद्र पाल ही, श्रेष्ठ अतिथि के रूप में जिलाधिकारी वरिष्ठ अजित पटेल ही, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य राकेश यादव के नेतृत्व में आज वाराणसी के सीकर क्षेत्र में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है। आइए आपको बताते हैं इनका बयान क्या है। प्रदेश अध्यक्ष अपना दलियस राजन जी, आज किस तरह का कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य केवल यह है कि ये अपना दलियस का सक्रिय सदस्यता अभियान का दूसरा चरण है। पहला चरण 12, 13 और 14 को था और दूसरा चरण 30 और 31 को है। उसी परिवेश में आज उत्तर प्रदेश के सारे जिलों एक साथ राष्ट्रीय और प्रदेश के तमाम नेताओं को लगा करके कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि सक्रिय सदस्यता अभियान चलाते हुए बूथ स्तर तक पहुँचना अपना दल का मुख्य उद्देश्य है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज बनारस आए हैं। क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं सदस्यता अभियान को? सदस्यता अभियान का लक्ष्य ये दूसरे चरण तक लगभग हर जिले में 1000 सक्रिय सदस्य निश्चित रूप से बन जाएंगे प्रत्येक जिले में। अभी तक कितने सदस्य बनाए गए? अभी तक बनारस का लक्ष्य तो लगभग पूरा हो गया है। पहले चरण में ही 1000 सक्रिय सदस्य बन चुके हैं। महेंद्र जी, 2020 में पंचायत चुनाव आने वाले हैं, क्या उसी को लेकर ये लक्ष्य बनाया जा रहा है? पंचायत चुनाव तो आ ही रहे हैं 2020 में, वो तो रहेगा ही। पंचायत चुनाव को लड़ाना ये सारी प्रक्रिया तो जब राजनीतिक संगठन में चलता ही रहता है, लेकिन कम से कम इसी सक्रिय सदस्यता के बहाने हम बूथ स्तर पर पहुँचने का प्रयास करें। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।